हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे 2 इयर्स बेबी अम्ब्रेला गरारा विद अम्ब्रेला फ्रॉक। तो हम सबसे पहले यहाँ पे गरारा बनाएंगे, जिसके लिए हमने 4 फोल्ड में यहाँ पे फैब्रिक लिया है। और इस फैब्रिक के लेंथ हम यहाँ लेंगे, इसकी लेंथ हम लेंगे 12 इंच। यहाँ पर हमने 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे, ये हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से क्रॉच हम 8 इंच पर मार्क करेंगे क्रॉच के लिए। इसका बॉटम हम लेंगे 8 इंच और यहाँ से इसे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे लाइन को। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इसे कट कर देंगे। यहाँ पे ये कट हो चुका है और अभी आप ये देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे 2 पीस फैब्रिक लेंगे। यहाँ पे ये फैब्रिक बराबर से नज़र नहीं आ रहा है लाइट्स की वजह से। इसकी विड्थ है 21 और इसकी लेंथ है 21। और यहाँ से इसको इस तरह से शेप दे देंगे अम्ब्रेला का और यहाँ से 8 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम 8 इंच पे मार्क करेंगे गोलाई में और इसकी लेंथ हम लेंगे यहाँ पे 10 इंच। इस तरह से मार्क करते हुए हमें इसे कट कर लेना है। तो ये यहाँ पे कट हो चुका है। इस तरह से ये अम्ब्रेला गरारा कट के तैयार हो गया है। अभी हम इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। इसको इस तरह से उल्टा रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेना है दोनों साइड में। तो ये स्टिच हो चुका है दोनों साइड से। अभी हम इसे इस तरह से सीधा रखेंगे और इस पर इस तरह से गोटा अटैच करेंगे यहाँ पे, इसे नीचे से स्टिच करके। अब हम यहाँ पे इसकी डिज़ाइन बनाएंगे, इसलिए इस पर हम गोटा अटैच करेंगे। यहाँ आप दूसरी भी कोई लेस अटैच कर सकते हो या इस तरह से गोटा अटैच कर सकते हो। तो ये देखिए, ये हमारी डिज़ाइन बन गई है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। अभी इस तरह से हम इसे इस पर रखते हुए यहाँ से इसे स्टिच कर देंगे। यहाँ से ये स्टिच हो चुका है। अभी इसे सीधा कर लेंगे और इसे नीचे से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा ली है हमने। अभी हम यहाँ बेल्ट के लिए स्टिच करेंगे। तो इसे डबल फोल्ड करके गोलाई में स्टिच कर लेना है। ये यहाँ पे स्टिच हो चुका है। और ये इस तरह से बनके तैयार हो गया है। अभी हमें इलास्टिक लेना है। इलास्टिक की लेंथ 18 इंच लेंगे और इसे इस तरह से अटैच कर देंगे। इलास्टिक को स्टिच कर देंगे और यहाँ से इसकी फिटिंग लगा लेंगे। यहाँ से इसे स्टिच करके अब ये देखिए, ये बनके तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर सा गरारा बनके तैयार हो गया है, अम्ब्रेला गरारा। ये 2 इयर्स बेबी के लिए हैं। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम यहाँ फ्रॉक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने 2 पीस फैब्रिक लिया है। इसे 4 फोल्ड में बिछा देंगे। इसकी लेंथ हम लेंगे यहाँ पे 8 इंच। और अब हम इसे इस पर डिज़ाइंस बनाएंगे। तो यहाँ से स्केल की मदद से इस तरह से पूरे में लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमें इसे इस तरह से रखते हुए पूरी सीधी लाइन ड्रॉ करना है पूरे फैब्रिक में। और हम इस पर गोटा अटैच करेंगे। प्लेन कपड़े पे गोटा की डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। आप इस तरह से प्लेन फैब्रिक पे गोटा की डिज़ाइंस बना सकते हैं, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। अब इसे इस तरह से इधर के शेप में लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह चेक्स की डिज़ाइन बन जाएंगी और हम इस पर गोटा अटैच करेंगे। इस तरह पूरे में लाइन ड्रॉ कर लेनी है चेक्स की शेप में। आप चाहे तो इसे बड़ी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ हमने छोटी छोटी लाइन ड्रॉ की है और हम इस पर इस तरह गोटा अटैच कर देंगे। यहाँ पूरे में हमें गोटा अटैच कर देना है। अब ये देखिए, ये बनके तैयार हो गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइंस लग रही है। अब हमें यहाँ पर इसके मार्क करेंगे, जिसके लिए हमने
फोर फोल्ड में इस तरह फैब्रिक को रख दिया है। यहाँ इस तरह से फोर फोल्ड में हम इसे रख देंगे और यहाँ शोल्डर हम लेंगे 4.5, आर्म होल हम लेंगे 4.5, नेक विड्थ हम 2 इंच लेंगे और नेक लेंथ हम 3 इंच लेंगे फ्रंट के लिए और बैक के लिए 2 इंच। चेस्ट हम यहाँ से लेंगे 7.5 इंच और इस तरह से ये मार्क हो गया है और हम अब इसे कट कर लेंगे। इसे इस तरह से कट कर लेना है। ये बैक नेक है, फ्रंट नेक हम इसे कट करेंगे 3 इंच पे फ्रंट नेक कट कर लेना है। अब ये कट हो चुका है। बैक के लिए हुक के लिए हमें 2 इंच पे मार्क करके इसे कट कर लेना है और हमें सेम साइज़ की लाइनिंग भी कट कर लेनी है और इसे लाइनिंग के साथ इसका नेक और इसका आर्म होल बना लेना है। तो यहाँ से इसे इस तरह रखते हुए यहाँ पे इसके स्टिच कर देना है। यहाँ पे हमने दोनों को स्टिच कर दिया और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम इस पर कट लगा देंगे और हम इसे पलट देंगे। यहाँ पे इसे अच्छी तरह से पलट देना है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से पलट देंगे लाइनिंग के साथ। ये देखिए अभी हमें हमने इसे पलट दिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसकी सिलाई लगा दी है और यहाँ पर से इसे स्टिच कर दिया है। ये बनके तैयार हो गई है। अब हम अम्ब्रेला की कटाई करेंगे जिसके लिए हमने 2 पीस में फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ है 21 और लेंथ है 21 और हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे अम्ब्रेला का। यहाँ से हम 8 इंच पे मार्क करेंगे गोलाई में। यहाँ पर हमें 1 और यहाँ से हम 10 इंच पे मार्क करेंगे पूरी गोलाई में जिसे हमें टॉप में अटैच करना है। इस तरह से इसे पूरी तरह से अच्छे से मार्क कर देना है 10 इंच पे और इसे कट कर लेना है। इस तरह से ये अम्ब्रेला कट गया है। बहुत ही आसान है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अब हमें यहाँ से इसके पीको कर लेनी है। आप सिलाई भी लगा सकते हो। यहाँ पर हमने इसे पीको किया है जिसे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हमें इसे इस तरह से अटैच कर देना है। यहाँ पे हमें दोनों साइड में उल्टा रखते हुए अटैच कर देना है। अब यहाँ से ये अटैच हो चुका है। ये देखिए ये बनके तैयार हो गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम 2 बन लेंगे जिससे इसकी फिटिंग आ जाएंगी आपके बेबी के हेल्थ के हिसाब से। और अब हम यहाँ पे इसे इस तरह से रखते हुए अंदर की तरफ यहाँ पर इसे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है और ये अम्ब्रेला फ्रॉक बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। तो ये पूरा पैटर्न यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। ये 2 इयर्स बेबी के लिए गरारा बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दिए।